आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है माय क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर 1 अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी के पार्ट 2 में। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, अन्य सभी कुत्ते डॉक्टर के आसपास इकट्ठा हो गए। ट्रिकी ने उन सभी को देखा और जब डॉक्टर ने उसे नीचे कालीन पर रखा तो वह हिल भी नहीं पाया। उसके बाद दूसरे कुत्तों ने उसे सूंघ लिया और उसको समझा कि वह एक बहुत ही बेकार वस्तु है और उसे नज़रअंदाज किया। फिर नरेटर ने अन्य कुत्तों के साथ एक गर्म बक्से में ट्रिकी के लिए बिस्तर बनाया। 2 दिनों तक नरेटर ने उसे सिर्फ पानी पर रखा और कुछ नहीं। दूसरे दिन वह अपने आसपास की जगह को देख कर रुचि दिखाने लगा और तीसरे दिन वह अस्पताल में लोगों को यह बताने के लिए शोर कर रहा था कि वह भी अन्य कुत्तों के साथ बाहर जाना चाहता है। जब नरेटर ने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी जल्दी से बाहर आया और जो एक ग्रेहाउंड प्रजाति का कुत्ता था ने अपने साथियों के साथ उसे घेर लिया। एक पल के लिए उसे सूंघने के बाद वे सभी उस बगीचे के लिए रवाना हुए जहां ट्रिकी ने उनका पीछा किया। बाद में शाम को नरेटर रात के खाने के समय मौजूद था और उन सभी को देख रहा था, विशेष रूप से ट्रिस्टन को जो लापरवाही से भोजन करते हुए गिरा रहा था। वे सभी बड़ी तेजी के साथ खा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे तो दूसरे कुत्ते अपना खाना ख़त्म करके उसका खाना खाने आ जाएंगे। जब सभी ने अपना भोजन समाप्त कर लिया तो ट्रिकी उन चमकते हुए कटोरों को घूम कर देखता रहा और उनमें से कुछ कटोरों को चाटा भी। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रखा गया और नरेटर उसे अपने कटोरे की ओर भागते हुए देखकर खुश हुआ। फिर वह वास्तव में जल्दी बेहतर होने लगा। उन्हें किसी दवा की आवश्यकता नहीं थी और पूरे दिन दूसरे कुत्ते के साथ खेलना शुरू किया। वे सभी एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे से टकराते थे, एक दूसरे के ऊपर चलते थे और एक दूसरे को दबाते थे। अन्य सभी कुत्तों ने उसे एक परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया। हालांकि वह दूसरों से बहुत अलग था क्योंकि वह अपने मालिक द्वारा बहुत अच्छी तरह से देखभाल में रखा गया था और दूसरों को इतनी अच्छी देखभाल नहीं मिली थी। वह अपने भोजन के लिए अपने साथी कुत्तों के साथ भी लड़ता था जो उससे आकार में बहुत बड़े थे। रात में वह मुर्गी घर में चूहों को भी शिकार करता था। उसे मज़ा आ रहा था क्योंकि उसने कभी इस तरह की बातें नहीं की थी। ये सब करते हुए मिसेस बैम्फ्रे दिन में 12 से अधिक बार फ़ोन करके ट्रिकी के बारे में पूछताछ करती थी। मिस्टर हैरियट कोट बेड आदि के बारे में सवालों से बचते थे लेकिन उन्होंने उसे बताया कि ट्रिकी बहुत अच्छा कर रहा था और बहुत तेज़ी से ठीक हो रहा था। मिसेस पैम्फ्रे चाहती थी कि ट्रिकी जल्दी ठीक हो जाए। उसने उसके लिए रोज़ 2 दर्जन अंडे भेजना शुरू किए लेकिन मिस्टर हैरियट और उसके हर एक पार्टनर ब्रेकफास्ट के लिए 2 अंडे लेते थे। फिर रक्त की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिसेस पैम्फ्रे ने शराब की बोतलें भेजना शुरू कर दिया। फिर दोपहर के भोजन से पहले 2 गिलास और इसके साथ कुछ शराब पीना मिस्टर हैरियट की आदत बन गई। मिसेस पैम्फ्रे ने ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया। उस समय मिस्टर हैरियट ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मिसेस पैम्फ्रे वास्तव में चाहती थी कि वह ट्रिकी को ब्रांडी दें। उन्होंने इसे आपस में साझा किया। कुछ दिनों में मिस्टर हैरियट बहुत खुश महसूस करते थे क्योंकि वह अपने दिन की शुरुआत अतिरिक्त अंडे के साथ करते थे, फिर दोपहर में वाइन के कुछ गिलास और फिर शाम को ब्रांडी के साथ दिन की समाप्ति करते थे। ट्रिकी के लिए भेजे जा रहे सभी चीज़ों के कारण मिस्टर हैरियट ट्रिकी को सर्जरी पर परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने को ललचा रहे थे। वह वास्तव में चाहते थे कि ट्रिकी उनके साथ हमेशा के लिए रहे लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि मिसेस पैम्फ्रे जो कि
ट्रिकी के लिए एक माँ की तरह थी, वास्तव में पीड़ित थी और ट्रिकी चाहता था कि वह जल्दी ही वापस आए। 15 दिन के बाद ट्रिकी घर वापस जाने के लिए तैयार हो गया और मिस्टर हैरियस ने मिसेस पैम्फ्रे को फ़ोन किया कि वह उसे लेने आए। कुछ ही मिनटों में एक लंबी काली कार बाहर आई। जब ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला तो मिसेस पैम्फ्रे उत्साहित होने के साथ साथ वास्तव में घबराई हुई बैठी थी। वह अपनी आवाज़ में घबराहट के साथ पूछ रही थी कि ट्रिकी वास्तव में बेहतर था, जिसे डॉक्टर ने सकारात्मक रूप से जवाब दिया। तब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेने अंदर गए। जब मिस्टर हैरियट घर के पीछे बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि सभी कुत्ते बगीचे में घूम रहे हैं और ट्रिकी उनके बीच बैठा था। उसने 2 सप्ताह में शानदार वापसी की थी। वह बहुत स्वस्थ लग रहा था, अन्य कुत्तों के साथ खेलते हुए और उसकी छाती जमीन को छू रही थी। वह 2 सप्ताह के भीतर एक अच्छा मांसल कुत्ता बन गया था। जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को घर के सामने ले गए तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर अभी भी कार का दरवाज़ा पकड़े हुए था और जैसे ही ट्रिकी ने माँ समान अपनी मालकिन को देखा, वह बहुत खुश हुआ। वह भागकर मिसेस पैम्फ्रे की गोद में कूद गया और उत्तेजना में भौंकते हुए उनके चेहरे को चाटना शुरू कर दिया। जब यह सब कुछ हो रहा था, ड्राइवर और मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी का सामान, जो पिछले 14 दिनों में इलाज के दौरान इस्तेमाल नहीं किया गया था, निकाल कर गाड़ी में रख दिया। जब मिसेस पैम्फ्रे जा रही थी, वह खिड़की से बाहर झुकी और अपनी आंखों में खुशी के आंसू के साथ मिस्टर हैरियट से बोली कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए वह उन्हें पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती। ये सर्जरी की एक जीत है। इसका मतलब है कि ट्रिकी को जो उपचार दिया गया था वह सफल रहा था।